विधान परिषद की 27 सीटों के लिए आज पूरे प्रदेश में मतदान हो रहा है। इसके लिए 95 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 1,20,000 से ज्यादा मतदाताओं के हाथ में है। विधान परिषद का ये चुनाव भाजपा और सपा दोनों के लिए बड़े इम्तिहान जैसा है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। भाजपा के सामने सत्ताधारी दल के रूप में विधान परिषद चुनाव में बड़ी जीत की परंपरा को कायम रखने की बहुत बड़ी चुनौती है। तो सपा के लिए विधानसभा चुनाव की हार के बाद खुद को साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका है। अखिलेश यादव को ये साबित करना होगा कि भाजपा को मात देने की रणनीति में वो हमेशा नहीं चूकने वाले हैं, और इसीलिए इस चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल, देखिए, और इस बीच बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, आइए जल्दी से आपको बता देते हैं। मतदान शुरू हो चुका है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। एमएलसी की सीटों के लिए अब मतदान शुरू हो चुका है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि मतदान शुरू हो चुका है। दीपा, बिल्कुल बिल्कुल प्राची, देखिए मतदान शुरू हो चुका है, ये बहुत बड़ी जानकारी। देखिए 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू, जो चलेगी शाम के 4 बजे तक। और कहां पर कौन पहुंचने वाला है, देखिए तमाम दिग्गज आज मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए 8 बजे से शुरुआत हो चुकी है वोटिंग की प्रक्रिया की, ये बहुत बड़ी जानकारी है। 8 बज चुके हैं और 8 बजने के साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है अलग अलग हिस्सों में, जहां जहां पर भी होनी है वोटिंग। देखिए 36 में से 9 सीटों पर भाजपा की निर्विरोध जीत तय है, लेकिन 27 सीटों पर होनी है वोटिंग और 27 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए महामुकाबला होना है। और 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, शाम को 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और देखिए अब इसके बाद ही तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। 95 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे 1,20,000 से ज्यादा जो मतदाता हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बहुत बड़ा दिन है आज। बिल्कुल, 36 में से 9 सीटों पर भाजपा की निर्विरोध जीत तय है, लेकिन 27 सीटों पर मतदान अब शुरू हो चुका है। तमाम वीवीआईपी लोग भी आज अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए अपने अपने मतदान केंद्र पर अपने शहर में पहुंच चुके हैं तमाम जो वीआईपी लोग हैं। और एबीपी गंगा पर आप आज पूरे दिन देखेंगे विधान परिषद चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। डेटा सेंटर से हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी, इस वक्त आपको बताएं इलेक्शन सेंटर से मौजूद है हमारे साथ जया। बताइए जया, क्या है आज की तैयारी? बिल्कुल प्राची, और तैयारी आप देख सकती हैं, ये इलेक्शन सेंटर है जहां से मैं विधान परिषद चुनाव से जुड़ी हर खबर दर्शकों को दूंगी, हर तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले सबसे तेज 27 सीटों के मतदान की पूरी बिसात आज मैं यहां से अपने दर्शकों को समझाऊंगी और पूरी ग्राउंड रिपोर्ट अपने दर्शकों को देंगे, क्योंकि तमाम हमारे सहयोगी मौजूद हैं ग्राउंड पर, जो कि बताएंगे कि क्या तैयारी है। जैसा कि बड़ी खबर आप भी दे चुकी हैं, मतदान शुरू हो चुका है प्राची। बिल्कुल, देखिए हमने बड़ी खबर बता दी है, एक एक खबर पर आज हमारी नजर रहेगी, एक भी जानकारी छूटेगी नहीं। सबसे पहले हर एक तस्वीर एबीपी गंगा आप तक पहुंचाएगा। तो यूपी विधान परिषद का ये चुनाव भाजपा और सपा दोनों के लिए बड़े इम्तिहान जैसा है, क्योंकि एक ओर भाजपा के सामने सत्ताधारी दल के रूप में विधान परिषद चुनाव में बड़ी जीत की परंपरा को कायम रखने की चुनौती है, तो सपा के लिए विधानसभा चुनाव की हार के बाद खुद को साबित करने का बड़ा मौका है। दीपा, बिल्कुल, और अखिलेश यादव को ये साबित करना होगा प्राची कि भाजपा को मात देने की रणनीति में वो हमेशा नहीं चूकने वाले हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन विधान परिषद का ये चुनाव कुछ अलग है। मुकाबले तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन ये मुकाबला सबसे अलग है। विधान परिषद के लिए चुनावी लड़ाई तो पहले भी हुई है, लेकिन इस बार की बात अलग है। वजह है राज्य की सत्ता में एक पार्टी की दोबारा वापसी, वजह है विधानसभा में दोबारा प्रचंड बहुमत हासिल कर विरोधियों के लिए भाजपा की ललकार। मतदान के लिए सीएम योगी गोरखपुर में है, वे विधायक होने के नाते इस चुनाव में वोट करेंगे। गोरखपुर महाराजगंज विधान परिषद सीट पर भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला है। गोरखपुर के नगर निगम बूथ पर मुख्यमंत्री योगी मतदान करेंगे। सीएम योगी पहली बार गोरखपुर सदर सीट से विधायक बने हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट से भाजपा के सीपी चंद और सपा के रजनीश यादव के बीच सीधा मुकाबला है।
गोरखपुर में 21 और महाराजगंज के 12 बूथों पर यानी कुल 33 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। यहां सांसद रवि किशन समेत कुल 5,454 मतदाता वोट डालेंगे। इस सीट के हर बूथ पर 200 मतदाता होंगे। वोटिंग बैलेट पेपर से होगी। बैलेट बॉक्स को मतदान के बाद कचहरी क्लब भवन के स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। 12 अप्रैल को सुबह 8 बजे से कचहरी क्लब भवन के हॉल में काउंटिंग होगी। तमाम जगहों पर मतदान के लिए चाक चौबंद इंतजाम। हमने हर जगह दौरा करके बात करके पंचायत प्रतिनिधियों से ये जानकारी हासिल की है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी, जानते हैं कि उनकी हालत क्या है? विधान परिषद में भी ऐतिहासिक जीत होगी और मैं यह समझता हूं कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा जैसे विधानसभा में साफ हुआ, लोकसभा में साफ हुआ, वैसे विधान परिषद में भी साफ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वोटरों को प्रभावित। श्री अखिलेश यादव जी के मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है। हम तो लोगों का वोट लेकर के जीत रहे हैं, वो तो लोगों को गुंडाई के बल पर अपनी जब सरकार थी उन्होंने जीतने का काम किया। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के गढ़ इटावा तक में मतदान की सरगर्मी आसमान पर है। सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव विधान परिषद चुनाव में वोटिंग के लिए दिल्ली से सैफई पहुंच गए। मैनपुरी के सांसद होने के नाते मुलायम सिंह यादव भी इस चुनाव के वोटर हैं। वे सैफई ब्लॉक में वोटिंग करेंगे। इटावा फर्रुखाबाद सीट के लिए यहां सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। अखिलेश यादव भी इस बार पहली बार विधायक बने। वे मथुरा एटा मैनपुरी विधान परिषद सीट के वोटर हैं। मथुरा एटा मैनपुरी के तहत दो सीटें आती हैं और दोनों विधान परिषद सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई है। मथुरा एटा मैनपुरी विधान परिषद की दो अलग अलग सीटों से भाजपा के ओम प्रकाश सिंह और आशीष यादव निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। जाहिर है इससे भाजपा के हौसले बुलंद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बाकी 27 सीटों पर उससे दो दो हाथ कर रही है। अब ये मतदाता तय करेंगे कि विजय तिलक किसके उम्मीदवार के माथे पर लगाया जाए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, विधान परिषद के चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है आइए आपको जल्दी से समझा देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, जो मौजूदा स्थिति है वो इस तरीके से है। भाजपा 35, सपना दल 1, निषाद पार्टी 1, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 17 सीट, बसपा की अगर बात करें तो 4 सीट, और इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस की तो यहां पर 1 सीट है कांग्रेस के पास। कुल 100 सीटें हैं और इस तरीके से बंटवारा है यहां पर विधान परिषद में तमाम सीटों का। और इन 35 सीटों को जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल कर लेगी और इसीलिए एड़ी चोटी का दम लगाया जा रहा है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव के सामने चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को एक मात देने की, तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी पूरी कोशिश कर रही है कि बहुमत हासिल कर ले। आपको आइए ये बता देते हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है और किस तरीके से वोटिंग जो है वो हो रही है, किस तरीके से वोटिंग शुरू हो चुकी है ये हम आपको बता रहे हैं। आइए इसके बाद दूसरे ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ और अहम जानकारी हम आपको देते हैं। अगर हम बात करें 2016 के नतीजों की तो कुल 36 सीट 31 सीट जो थी वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, जबकि बसपा 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। अगर हम निर्दलीय प्रत्याशी की बात कर लें तो 2 निर्दलीय प्रत्याशी यहां पर जीत दर्ज कर पाए थे और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। ये है 2016 के नतीजे और इसीलिए इस बार इन तमाम नतीजों पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। आइए अब आपको समझाते हैं कि विधान परिषद में सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो देखिए, विधायक द्वारा चुनाव होता है 38 सीटों पर, यानी कि 38 लोगों को स्थानीय निकाय द्वारा 36 लोगों को चुना जाता है, ये हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर बताएं शिक्षकों द्वारा कितना चुनाव होता है तो 8, अगर हम स्नातक
द्वारा चुनाव की बात कर लें तो ये भी 8 सीटें हैं, और अगर नॉमिनेटेड की बात कर लें तो 10 सीटें हैं जो कि डायरेक्ट नॉमिनेटेड होते हैं। तो इस तरीके से चुनाव होता है और इन्हीं चुनावों पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि आज का जो रण है वो काफी दिलचस्प है। विधान परिषद में बहुमत हासिल करने की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की, और इस पर वो एड़ी चोटी का दम लगाती हुई नजर आ रही है। तो देखिए पश्चिमी यूपी में क्या कुछ समीकरण है सियासी विसाद पर, आइए आपको समझाते हैं। पश्चिमी यूपी में तमाम सीटों पर आर पार की टक्कर है। अगर हम बात करें भाजपा और सपा के बीच में ही टक्कर देखने को मिल रही है। हर पार्टी का दावा है कि वोटर उसका ही दामन थामेंगे, उसके ही माथे पर विजय तिलक लगाएंगे, लेकिन चुनाव में ऊंट किस करवट बैठे ये कोई नहीं जानता, मतदाता ये तय कर रहे हैं। वोटिंग के जरिए वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार पर मुहर लगाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं पश्चिमी यूपी की हॉट सीट का मुकाबला। पश्चिमी यूपी में विधानसभा चुनाव के महीने भर बाद भाजपा और सपा गठबंधन के बीच महा मुकाबला होने जा रहा है। कई सीटों पर आमने सामने की टक्कर है। पश्चिमी यूपी में मेरठ गाजियाबाद सीट का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहां भाजपा और सपा रालोद के गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर है। भाजपा की तरफ से धर्मेंद्र भारद्वाज मैदान में हैं, तो सपा रालोद की तरफ से सुनील गोहटा उन्हें चुनौती दे रहे हैं। जहां तक इस चुनाव की बात है तो मैं अभी हापुड़ के सारे ब्लॉक में ब्लॉक वाइज मैंने मीटिंग की है। 90% वोटर वहां पे आ रहा है। 10% वोटर होता है किसी का काम रह गया, घर पे कुछ काम है, कोई परेशानी है, वही वोटर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि हमारी 4250 से 4260 वोटों का ये चुनाव है, और हमें लगता है कि 3500-4000 वोट हमें मिलेंगी और दूसरा प्रत्याशी हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। हमारे पास पर्याप्त इतनी वोट है कि भाजपा का प्रत्याशी शायद नज़दीक भी ना पहुंच पाए। किसान और मजदूर पहले से ही इनसे तरसते, इन्होंने कैसे सरकार बनाई, क्या बनाई, वो इस समय इस बारे में कहने की कोई उचित नहीं है, लेकिन इस समय जो है वोटर जो है गठबंधन को वोट देगा। इस MLC चुनाव में सपा ने रालोद को 2 सीटें दी थी। इनमें एक सीट मेरठ गाजियाबाद की है, जबकि दूसरी बुलंदशहर की। बुलंदशहर में भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुका है, और अब मेरठ गाजियाबाद सीट की हर तरफ चर्चा है, जहां मेरठ के भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। पर दावा है कि अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सपा इस चुनाव में भी मुंह की खाएगी। अखिलेश यादव जी बुरी तरीके से हारने वाले हैं। हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो कि एक भी सीट वो उत्तर प्रदेश में MLC के नहीं जीतने वाले हों, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, देश का जो चुनाव आयोग है वो दुनिया भर के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रसिद्ध है, उसकी प्रतिष्ठा है। इस प्रकार की बातें करना, देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका जो कम विश्वास है उसको प्रदर्शित करती है। आगरा फिरोजाबाद सीट विधानसभा परिषद चुनाव की हॉट सीट में शामिल है। यहां भाजपा और सपा रालोद गठबंधन के तेवर आक्रामक हैं। यहां भाजपा की तरफ से विजय शिवहरे मैदान में हैं, तो सपा ने मौजूदा MLC दिलीप यादव पर दोबारा भरोसा जताया है। इससे पहले जो MLC रहे वो 6 वर्ष में कभी भी किसी व्यक्ति के पास नहीं गए जो उनके मतदाता थे। तो मुझे जो लग रहा है, माहौल जो दिख रहा है, वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारे मतदाता हमको वोट डालेंगे। ये सीट सपा और प्रसपा का गढ़ मानी जाती है। सैफई, जसवंत नगर, इटावा इसी सीट के तहत आते हैं, और इस सीट को जीतने के लिए भाजपा ने अपने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला सपा के हरीश कुमार सिंह से है। इसे लेकर यहां चुनावी तापमान आसमान पर है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नागरिकों ने वापस भेजा है। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री के 5 साल के काम को देखते हुए वापस जनादेश दिया गया है। ये बहुत बड़े संदेश हैं। ये बयान नहीं है, ये जनता का संदेश है। अब मतदाताओं की बारी है, जो ये तय करेंगे कि उनका विधान पार्षद कौन होगा। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मतदान शुरू हो चुका है, तस्वीरें सामने आने लगी हैं। हर एक तस्वीर, हर एक हलचल पर ABP गंगा सबसे पहले आप तक।
पहुंचाएगा। जया, मैं आपके पास आऊंगी, क्या तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाने वाली हैं, क्योंकि हलचल तेज, मतदान हो चुका है शुरू। बिल्कुल प्राची, क्योंकि तमाम समीकरण हमने अपने दर्शकों को बता दिए और ये भी बता दिया रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके की चुनौती है एमएलसी चुनाव के लिए। लेकिन ये जो इलेक्शन सेंटर है, यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट मैं दर्शकों को दूंगी। और मेरठ से संवाददाता सनु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाराणसी से संवाददाता नीतीश पांडे जुड़े हुए हैं, आजमगढ़ की बात करें तो अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं, शैलेश लखनऊ से हैं, और सीधे शैलेश का रुख करेंगे क्योंकि शैलेश हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। और शैलेश, क्या इस वक्त वहां की तस्वीर है, क्योंकि आज अभी तो मतदान वहां पर शुरू हुआ है लेकिन हलचल कितनी दिखाई दे रही है अभी? बिल्कुल, देखिए मतदान शुरू हो गया है और ये लखनऊ का वीवीआईपी पोलिंग बूथ आप कह सकते हैं। जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, वो यहाँ पर, या जो बाकी वोटर्स होते हैं इस चुनाव में, जैसे बात करें पंचायत के जो सदस्य हैं, वो सभी लोग यहाँ पर अपना वोट डाले। 153 यहाँ पर मतदाता है और अभी अभी यहाँ पर जो बीकेटी से विधायक हैं योगेश शुक्ला जी, उन्होंने अपना वोट डाला है। उनके पास चलते हैं, सीधे बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में समय मौजूद है विधायक जी। सुबह सुबह आप पहुँच गए, सबसे पहले वोट डालने? मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाना है, वहाँ वोट पड़ना है, वोट डालने के बाद वहीं जा रहा हूँ। पहली बार इस बार आप भी बड़ा शानदार जीते और अब आप आए हैं अपने ही एक पार्टी के दूसरे प्रत्याशी को जिताने। लखनऊ की अगर बात करें तो काफ़ी समय बाद चुनाव की नौबत आई, इससे पहले सपा प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम लोग किसी को जबरदस्ती नहीं बैठाते, गुंडागर्दी नहीं करते, चुनाव लड़ने का हर व्यक्ति को अधिकार है। इसी के तहत दूसरा प्रत्याशी भी है, अगर कोई दूसरी सरकार होती तो शायद ये स्थिति ना आती। 36 में से 9 सीटें तो निर्विरोध भाजपा जीत गई, बची 27 सीट में क्या उम्मीद करते हैं, कितनी? 27 में से 27, यानी कोई भी छोड़ने का मूड में नहीं? नहीं नहीं, छोड़ने की बात ही नहीं है। प्रदेश का जो जनमानस है, जितने बेडी सदस्य हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, और हमारे MLA भी ज़्यादा हैं, सांसद भी ज़्यादा हैं, तो चुनाव में जीत रहा हूँ। लगता है कि विधानसभा के बाद परिषद में भी बहुमत से भाजपा होगी? चूँकि जितनी गरीबों की योजनाएँ थी तो विधानसभा में तो पास हो जाती थी, परिषद में जाकर के समाजवादी पार्टी गरीबों के खिलाफ काम करती थी। अब ये अवसर आ गया है कि हम परिषद में भी हमारा समर्थन होगा और हम सभी योजनाओं को, चाहे वो गरीबों के लिए हों, चाहे मध्यम वर्ग के लिए हों, उसको लागू करेंगे। किसी सीट पर फाइट मानते हैं आप इस समय जो 27? नहीं, किसी सीट पर फाइट नहीं है और सभी सीटों पर हम लोग जीत रहे हैं। यानी एक तरफा पूरा, एक तरफा बिल्कुल क्लीन स्वीप होगा, विपक्ष का सफाया होगा। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे योगेश शुक्ला जी को, देखिए बीकेटी से विधायक हैं, इस बार पहली बार यहाँ से चुनाव जीत कर ये विधायक बने हैं और सुबह सुबह वोट डालने पहुंच गए और यहाँ से अब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल देखिए लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस बीच और ताजा तस्वीरें सामने आ गई है। आइए जल्दी से दिखा देते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोटिंग करने के लिए पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि कल ही वो गोरखपुर पहुंच गए थे, मतदान आज होना है, मतदान शुरू हुआ है और देखिए अभी 17 मिनट बीती हैं मतदान शुरू हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं। बहुत अहम है ये जो विधान परिषद का चुनाव है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की बहुमत हासिल करने की और इस बहुमत को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का दम भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। कुल 36 सीटें हैं और इन 36 सीटों में से 27 पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि 9 पर निर्विरोध प्रत्याशी जो है वो चुन लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ये देखिए अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले तस्वीरें लगातार एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच गए हैं। गोरखपुर महराजगंज सीट है जहां पर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। बीजेपी के प्रत्याशी सीपी चंद हैं, सपा के प्रत्याशी हैं रजनीश यादव और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान केंद्र पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये परिषद का पराक्रम युद्ध है, यहाँ पर अपनी शक्ति का परिचय भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश करेगी। तो अखिलेश यादव भी ये दिखाएंगे कि विधान सभा चुनाव वो बेशक हार गए हों लेकिन विधान परिषद के चुनाव में वो पूरी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देंगे, ये कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से है। और अब देखिए अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए चले गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि ये गोपनीय होता है तो वो तस्वीरें इस वक्त नहीं है आपके सामने, लेकिन इस जो व्हाइट कलर का बूथ आप देख रहे हैं इसके पीछे है
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही गोरखपुर पहुंच गए थे और अब जब मतदान शुरू हो चुका है तो सबसे पहले अपना वोट कास्ट करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। और ये देखिए, अपना वोट कास्ट कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये डाली उन्होंने मत पेटी में, अपना जो मताधिकार था वो उन्होंने डाल दी है, पर्ची डाल दी है। और अब यहां से निकलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो देखिए गोरखपुर महराजगंज सीट है, प्रत्याशी हैं यहां से बीजेपी के सीपी चंद। और ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मतदान केंद्र से बाहर निकलते हुए विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, अक्सर जब भी चुनावों के बीच में मुख्यमंत्री को देखा जाता है तो विक्ट्री का साइन बनाते हुए नजर आते हैं दीपा। बिल्कुल, और यहाँ से भी ये देखना होगा कि कुछ बोलेंगे क्या योगी आदित्यनाथ, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। और पहले भी कई बार जब भी उनका संबोधन हुआ है तो उन्होंने यही कहा है कि एकमात्र अब लक्ष्य है कि विधान परिषद में भी किस तरीके से दबदबा कायम हो। और क्या वो दबदबा कायम हो पाएगा जिस तरीके से आज तक होता आया है, जिसकी सरकार उसी का दबदबा रहता है विधान परिषद में, और भाजपा को भी वही जो परंपरा है उसको बनाए रखनी है। और इसलिए सबसे बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ के सामने भी है। हालांकि विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और उसके बाद आत्मविश्वास दोगुना है तमाम जो प्रत्याशी हैं उनका भी, और खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि विधान परिषद में भी जीत होगी, जीत का जो परचम है वो भारतीय जनता पार्टी लहराएगी। और पहली बार ये हो रहा है जब विधायक के तौर पर विधान परिषद के चुनाव में वोटिंग कर रहे हैं, कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, गोरखपुर शहर से वो विधायक हैं और यहाँ पर विधान परिषद के चुनाव में मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया है। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। वहां पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो उत्साहित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने बीच में देखकर, उनके पास बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि कहा जाता है सियासत में बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है दीपा, और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विक्ट्री का साइन दिखाते हुए पॉजिटिव एनर्जी अपने कार्यकर्ता को देते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनकी सरकार की, कि विधान परिषद में बहुमत हासिल करना है। हालांकि ये कहा जाता है विधान परिषद के चुनावों को लेकर कि जिसकी सरकार होती है उसी का दबदबा कायम रहता है, तो क्या वही परंपरा एक बार फिर से योगी सरकार दोहराएगी या फिर अखिलेश यादव भी यहां पर बाजी मारते हुए नजर आएंगे, कुछ सीटों को छीनते हुए नजर आएंगे। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि कुल 36 सीटें हैं जिन पर यह घमासान देखने को मिल रहा है, लेकिन 27 सीटों पर हो रहा है मतदान दीपा। बिल्कुल, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है मताधिकार का इस्तेमाल, वहां से लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है, हर एक तस्वीर हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए गोरखपुर से और अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव। नीरज बताइए, मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, अब यहाँ से होगी उनकी रवानगी। बिल्कुल, बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, चूंकि वीआईपी बूथ है नगर निगम का, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं और अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है। और एमएलसी प्रत्याशी हैं भाजपा से सीपी चंद, रजनीश यादव समाजवादी पार्टी के, उनसे मुकाबला है उनका। और पहले ही हमारी बात हो चुकी है सीपी चंद से, उन्होंने बताया कि अप्रत्याशित तो कुछ रह नहीं गया है और जीत भाजपा की होनी है, और दो ही प्रत्याशी हैं और इनके बीच यहाँ पर टक्कर है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अपना वोट डाल चुके हैं, जिसका बहुत देर से इंतजार हो रहा था कि वो आएंगे और अपना पहला वोट डालेंगे, और इसके बाद से जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में, और इसके साथ ही पार्षद, सभासद और जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग हर जगह करेंगे। और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री अभी मीडिया से बात भी करेंगे, प्रेस को ब्रीफ करेंगे, और ये महत्वपूर्ण होगा उसमें देखना कि क्या बातें वो रखते हैं और लोगों से क्या कहते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया से भी बातचीत करेंगे, ये जानकारी नीरज दे रहे हैं। नीरज एक बार उस पोलिंग बूथ की पूरी तस्वीर दिखाइएगा जहां पर सीएम ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, तस्वीर भी दिखाइए और बताइए भी कितनी रौनक वहां पर इस वक्त है। देखिए आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, यही जो पीछे भवन दिख रहा है यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया और अभी अभी बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं और थोड़ी देर में उठेंगे और जो मीडिया कर्मी हैं उनसे वो ब्रीफ भी करेंगे इस चुनाव को लेकर। और
यही महत्वपूर्ण है कि वो क्या बातें कहते हैं, क्योंकि गोरखपुर में 3 दिवसीय दौरा है और आज दूसरा दिन भी है और अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है। तो कुछ ही देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां से रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले नीरज ये जानकारी दे रहे हैं कि मीडिया से भी वो रूबरू होंगे और विधान परिषद के चुनाव को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं ये सुनना बहुत अहम हो जाता है, दिलचस्प हो जाता है। और जंग जो है विधान परिषद के चुनाव की वो अपने आप में दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि दोनों ही बड़े दल, एक तो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच में ही मुकाबला कड़ा है। और बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि बहुमत हासिल किया जाए विधान परिषद में, और समाजवादी पार्टी के सामने ये बहुत बड़ा मौका है कि जो विधानसभा चुनावों में नहीं हो पाया वो विधान परिषद के चुनाव में किया जाए, जीत का परचम लहराया जाए। अब देखना ये अपने आप में अहम होगा कि गोरखपुर की वो लड़ाई हो या फिर तमाम 27 सीटों की लड़ाई हो, वहां पर जीत किसको मिलती है। हालांकि अलग अलग हिस्सों से जो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचे, मताधिकार का इस्तेमाल किया, पूरी प्रक्रिया को उन्होंने किस तरीके से फॉलो किया, चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं, और बेहद उत्साह में तमाम जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के वो भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में, और विधानसभा चुनाव के बाद, सरकार गठन के बाद अब विधान परिषद का चुनाव हो रहा है और इसलिए हर एक हिस्से की तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम हो जाती हैं। 36 की 36 सीटें अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल, देखिए 9 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी जो हैं वो चुने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, कुल 27 सीटें बचती हैं जहां पर मतदान शुरू हो चुका है। तमाम वीवीआईपी जो मतदाता हैं उन पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो गोरखपुर से तस्वीर सामने आई है जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच गए हैं, अपने मत का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया है, विक्ट्री का साइन दिखाया, यानी ये बताने की कोशिश कि विधान परिषद में भी वो बहुमत हासिल करेंगे विधानसभा में अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद। देखिए उनके साथ गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि मीडिया से भी मुखातिब होंगे, और देखिए अब वो मीडिया से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिपिन सिंह को मेयर साहब को तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब से थोड़ी देर बाद आप सुन पाएंगे क्योंकि मतदान उन्होंने कर दिया है, विक्ट्री साइन भी उन्होंने दिखा दिया, और अब वो क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा। परिषद चुनाव के लिए सीएम योगी ने मतदान कर दिया है, सुनते हैं हम सीएम को। बासंती नवरात्र की आज अष्टमी तिथि है, मैं पूरे प्रदेशवासियों को महाअष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं। नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे प्रदेश में जगत जननी माँ भगवती दुर्गा की पूजा और अनुष्ठान के कार्यक्रम पूरी श्रद्धा विश्वास और उत्साह और उमंग के माहौल में श्रद्धालुजनों ने हर जगह आयोजित किए हैं और ये निरंतर कल तक चलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था की है। कल रामनवमी की भी पावन तिथि है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव का पावन तिथि, अयोध्या धाम में विशेष समारोह होंगे, जगह जगह नवमी की स्थिति पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे। शासन ने स्थानीय स्तर पर प्रशासन को श्रद्धालुजनों की सुविधा और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के पहले से निर्देश दिए हैं और उस पर प्रशासन पूरी तत्परता के साथ पूज्य संतों के मार्गदर्शन में श्रद्धालुजनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी सुविधा उपलब्ध करवा रही है। महाअष्टमी की स्थिति में आज पूरे प्रदेश में
विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी की सीटों पर चुनाव भी आयोजित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही इसकी तिथि भी घोषित कर दी थी और आज जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भी आज चुनाव यहां पर आयोजित हो रहा है। तो एक मतदाता के नाते मैं भी अपना मतदान यहां पर करने के लिए यहां पर विशेष रूप से आया हूं। मेरे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शिवप्रताप शुक्ला जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी और अन्य जनप्रतिनिधि भी अभी मतदान किए हैं। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 2/3 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त किया है और प्रचंड बहुमत की अपनी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बनाने में सफल हुए हैं। विधान परिषद में पहली बार मुझे लगता है कि लगभग 4 दशक के बाद ऐसी स्थिति आएगी जब सत्ताधारी दल प्रचंड बहुमत के साथ विधान परिषद में अपना बहुमत बनाने में सफल होगा और मेरी प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव के लिए जो भी मतदाता हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, पार्षद, चेयरमैन, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, मान्य विधायक, मान्य सांसद, मेरी उन सब से अपील है कि प्रदेश के अंदर लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि दोनों सदनों में एक पार्टी की पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। विधानसभा में 2017 में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था। 2022 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से प्रदेश में बन चुकी है। 2017 में जब हम लोग आए थे विधानसभा में हमारा प्रचंड बहुमत था लेकिन विधान परिषद में तमाम कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता था और अपनी नकारात्मक भूमिका के कारण समाजवादी पार्टी प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने का हर संभव प्रयास करती थी। लेकिन अब स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद के इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ जीतना तय है और प्रचंड बहुमत के साथ 36 में से अधिकतर सीटें जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के विकास को, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को, महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई और उनके स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं को, नौजवानों के रोजगार से जुड़ी हुई कार्यक्रमों को, अन्नदाता किसानों के हितों के लिए, श्रमिकों के सम्मान और
उनके स्वावलंबन के लिए सरकार और बेहतर तरीके से कार्य करने में सक्षम होगी। और मेरी सभी जनप्रतिनिधियों से अपील होगी कि प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद जनता जनार्दन ने विधानसभा में दिया है, विधान परिषद में भी समर्थन अवश्य भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को चुने गए जनप्रतिनिधियों का अवश्य प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को वासंतिक नवरात्रि, महाअष्टमी की तिथि, महानवमी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मदिवस रामनवमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, प्रदेश में माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद सरकार के सुरक्षा और कानून बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता जनार्दन का, खासतौर पर आधी आबादी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। वे पेशेवर माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके प्रदेश में गरीबों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, उनकी सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करते थे, या जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके प्रदेश में अव्यवस्था पैदा करने का कार्य किया था, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था के लीकेजेज का लाभ उठा करके उस समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, तो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे को कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोगों ने अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं का, पेशेवर माफिया, इसमें पेशेवर अपराधी भी हैं, भू माफिया भी हैं, खनन माफिया भी हैं, वन माफिया भी हैं, पशु माफिया भी हैं, इन सभी माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। लेकिन अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दें। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आरक्षित श्रेणी की है, उन स्थितियों में उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने के बाद फिर व्यवस्था देंगे। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था और उन्हें सुरक्षित रूप से अपने रोजगार को उपलब्ध करवाने की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके पीएम स्वनिधि का भी उपयोग करते हुए राज्य सरकार इस पर कार्य कर रही है। और इसलिए बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि प्रदेश सरकार की जो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की कार्रवाई है, यह कार्रवाई पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए है, किसी गरीब निरीह कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं है, और उसके प्रति एक संवेदना और सहानुभूति हमारी पूरी होनी चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान रखें। एजेंसियां उस पर कार्य कर रही हैं। धन्यवाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने तमाम बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ विधान परिषद में भी दबदबा कायम होगा, ये उन्होंने बड़ी बात कही। और साथ ही विक्ट्री का साइन दिखाते हुए
अब यहाँ से आगे बढ़ चले हैं योगी आदित्यनाथ। तो तमाम बड़ी बातें उन्होंने क्या कुछ कही वो आपको हमने बता दिया है, आपको सुनवा दिया सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। देखिए गोरखपुर में उनकी मौजूदगी आज दूसरा दिन है। एक मतदाता की तरह उन्होंने कहा कि एक मतदाता की तरह मताधिकार का इस्तेमाल मैंने भी किया है और सभी को मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया और जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ में जीत होगी विधानसभा चुनाव में, प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और विधान परिषद की जंग को भी वही जीतेंगे, पहली बार सत्ताधारी दल प्रचंड बहुमत में है, ये भी उन्होंने कहा है। और विधान परिषद के चुनाव में भी ऐसा ही होगा, भाजपा का प्रचंड बहुमत यहां पर भी कायम रहेगा और प्रदेश के विकास को लेकर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। और देखिए जो कल निर्देश अधिकारियों को दिए थे योगी आदित्यनाथ ने, उस बात को उन्होंने फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि गरीबों की झोपड़ी पर नहीं चलेगा बुलडोजर, जो दुर्दांत अपराधी हैं, जो भू माफिया हैं, उन पर ही बुलडोजर चलता रहेगा। बुलडोजर पार्ट वन में भी चला था और पार्ट टू में भी बुलडोजर रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, इस बात को भी दोहराया है योगी आदित्यनाथ ने। गोरखपुर में उनकी मौजूदगी और उम्मीदवार फिर से परचम लहराएंगे इसका उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि अपराधियों की उत्तर प्रदेश में खैर नहीं है, अपराधी जो भी है या तो वो अपराध छोड़े या फिर अपनी देखें या फिर उनकी खैर नहीं, इस बात का भी जिक्र किया। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो मत का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन बात अगर गोरखपुर की हो रही है तो गोरखपुर महाराजगंज सीट का समीकरण क्या है हम ये भी अपने दर्शकों को समझाएंगे, प्रत्याशियों के बारे में भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सीपी चंद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं दीपा रजनीश यादव। बिल्कुल, और दोनों के बीच में एक कड़ा मुकाबला है। 2016 में सपा के टिकट पर एमएलसी बने थे, पिछले साल नवंबर के महीने में भाजपा में शामिल हो गए थे, सीपी चंद के बारे में ये जानकारी आपको दे रहे हैं और भाजपा ने अब इन पर भरोसा जाहिर किया है। इन दोनों की तस्वीर, इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है, हालांकि 12 साल पहले वो भाजपा में ही थे लेकिन 1999 में भाजपा के टिकट पर कैसरगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और 2008 तक भाजपा में थे और 2009 में सपा ज्वाइन कर ली। और रजनीश यादव सपा की तरफ से मैदान में है, दोनों में देखिए दोनों के सामने चुनौती है प्राची, एक भाजपा जो कि उस परंपरा को आगे बढ़ाएगी और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से रजनीश यादव की पूरी कोशिश होगी कि इस मौके को वो भुला सके और फायदा उठाए। बिल्कुल, देखिए रजनीश यादव के बारे में भी बता देते हैं, रजनीश सपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस सीट से 6 लोगों ने नामांकन किया था लेकिन 4 के नामांकन रद्द हो गए, अब सिर्फ भाजपा और सपा के प्रत्याशी आमने सामने हैं। अब सीधा ये आपको लिए चलते इलेक्शन सेंटर जया के पास। बिल्कुल प्राची, तो सियासी समीकरण क्या है और क्या यहाँ पर मुकाबला है वो भी आपने बता दिया, लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, लगातार वो ग्राउंड से बता रहे हैं कि क्या वहाँ की तस्वीरें हैं, क्या दिलचस्प मुकाबला किसके बीच है, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। काउंटडाउन भी लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को क्योंकि 4 बजे तक वोटिंग होने वाली है और इस बीच अनुभव का रुख करेंगे क्योंकि अनुभव लगातार हमें बता रहे हैं अनुभव क्या तस्वीर इस वक्त है, क्योंकि आजमगढ़ में तो मुकाबला दिलचस्प है और वहां से लगातार ये दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव की जीत समाजवादी पार्टी की होने वाली है, लेकिन ग्राउंड की तस्वीर क्या कहती है, हलचल इस वक्त वहां की देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल बहुत दिलचस्प है आजमगढ़ की लड़ाई, इसलिए दिलचस्प है कि सब जगह हमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी यानी दो पार्टियों के बीच ही मुकाबला दिख रहा है, लेकिन आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला यानी ट्रायंगुलर फाइट है। क्यों फाइट है? क्योंकि बीजेपी ने अरुण कांत यादव, रमाकांत यादव के बेटे जो बीजेपी की टिकट पर 2017 में विधायक बने, उनको ही MLC चुनाव में उतारा है। ये अलग बात है कि अब रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो राजेश यादव गुड्डू को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और वही निवर्तमान में MLC भी रहे, 7 मार्च को उनका कार्यकाल खत्म हुआ। लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है MLC यशवंत सिंह के बेटे का इस चुनाव में खड़ा होना, और MLC यशवंत को जब बीजेपी मना रही थी लेकिन वो नहीं माने, इस वजह से उनको पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी। देखिए अभी केवल हम नगर पालिका ये जो आजमगढ़ है ये जो बूथ है यहाँ पर मौजूद है, 1 वोट ही पड़ा है, कुल 29 वोट हैं यहाँ पर। एक इसमें अखिलेश यादव का वोट था सांसद के नाते, लेकिन उन्होंने चूंकि इस्तीफा दे दिया है तो वो वोट नहीं पड़ेगा। एक सभासद थे, उनका निधन हो चुका है तो वो वोट नहीं पड़ेगा। यानी 27 वोट पड़ेंगे जिसमें 2 विधायक हैं, 1 नगरपालिका के अध्यक्ष हैं और बाकी पार्षद हैं। एक पार्षद हमारे साथ हैं, सिधारी से सभासद हैं और इन्होंने सबसे पहला वोट डाला है। वोट तो आपने डाल दिया,
और आजमगढ़ की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमें त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। जी जी जी, त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी कह रही है कि हम ये भी सीट जीतेंगे, हालांकि जब विधानसभा चुनाव हुए तो 10 की 10 सीटें सपा ने जीत ली, सपा का अपना दावा है। सपा का अपना दावा है, 10 की 10 सीटों सपा ने जो है जीती है, लेकिन यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। जहाँ तक चूंकि वह सीमित वोट है, इसलिए जनता यह देखती है कि कौन सा एमएलसी हमारे काम आने वाला है। जनता तो अपने एमएलसी को चुनने के लिए अब मतदान करने के लिए पहुंच गई है अनुभव, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आजमगढ़ में जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर अखिलेश यादव की भी लगी हुई है। विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा यहाँ पर सीटों को अर्जित किया था समाजवादी पार्टी ने, क्या लगता है आपको किस तरीके से रण अब देखने को मिल रहा है आजमगढ़ का? देखिए बिल्कुल, जब विधानसभा के चुनाव हुए तब 10 की 10 सीटें अखिलेश यादव ने यहाँ पर जीती थी, और जब वोटिंग से पहले जब प्रचार के लिए आए थे, हमने खुद अखिलेश यादव से बात की थी और कहा था उन्होंने कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे। हालांकि 2017 में यहाँ पर बीजेपी ने भी एक सीट जीती थी, पर इस बार अरुण कांत यादव को बीजेपी ने उसी सीट पर उम्मीदवार नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसी सीट पर रमाकांत यादव यानी उनके पिता को सपा ने अपना कैंडिडेट बना दिया था, इसलिए रणनीति को बदला। हाँ, ये जरूर है कि 10 विधायक भले ही आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के, लेकिन देखिए इसमें विधायक भी वोट देते हैं, सांसद वोट देते हैं, इसके अलावा जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो भी वोट डालते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष। तो ये देखिए विधान परिषद की सीट जीतने में भी अखिलेश यादव जो है पूरी तरीके से एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। आजमगढ़ का जिक्र हो रहा है तो आइए आपको यहाँ का मुकाबला समझा देते हैं। बागी में मुकाबला अरुण कांत यादव भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशी हैं, सपा नेता रमाकांत यादव के बेटे हैं जो पिछली बार भाजपा के टिकट पर विधायक बने थे। इस बार भाजपा ने विधायक का टिकट तो नहीं दिया लेकिन एमएलसी प्रत्याशी जरूर बना दिया है दीपा। बिल्कुल, और बात राकेश यादव की भी कर लेते हैं। देखिए सपा दोबारा से मौका लेने की फिराक में राकेश यादव मैदान में है। विक्रांत सिंह ऋषि जो है वो निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे हैं। एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे हैं और जिन्हें भाजपा ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, वो यहाँ पर विक्रांत सिंह ऋषि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला किस तरीके से बन रहा है, हालांकि आजमगढ़ में प्राची हुआ ये था विधानसभा के चुनाव में बहुत अच्छी जो परफॉर्मेंस थी वो समाजवादी पार्टी की रही थी, लेकिन अब देखिए विधान परिषद में क्या होने वाला है, त्रिकोणीय मुकाबला है, किसको जीत यहाँ पर मिलेगी उस पर लगातार नजर है। बिल्कुल, बात देखिए हमने आजमगढ़ की कर ली, लेकिन बाकी विधान परिषद की सीटों के भी समीकरण समझा देते हैं और बात कर लेते हैं कानपुर फतेहपुर में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अविनाश चौहान, उनकी सीधी टक्कर है समाजवादी पार्टी के दिलीप सिंह यानी कल्लू से, उनका सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अविनाश चौहान की अगर बात करें तो भाजपा ने कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष भी वो हैं। विधानसभा चुनाव में फिर से कानपुर देहात की 4 सीटों पर भाजपा जीती थी, ऐसे में संगठन में अच्छा काम करने पर उनका प्रमोशन हो सकता है। लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए हैं, युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी तैनात थे दीपा। बिल्कुल, और दिलीप सिंह कल्लू के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सपा की तरफ से वो मैदान में अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, और इसी के साथ ही 2016 में इन्होंने बसपा के प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया था। अब सीधे आपको लिए चलते हैं कानपुर लिए चलते हैं, वहां रतीश हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनके साथ में मेयर मौजूद है प्रमिला पांडे। रतीश कीजिए उनसे बातचीत, अपना मत डाल दिया है हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। प्रमिला जी, आज स्थानीय निकाय के लिए मतदान हो रहा है, आपने अपना वोट डाल दिया है, क्या उम्मीद और क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? आप लोग जब पूछते हो क्या उम्मीद है ना, तो एक बार हंसी बड़ी आती है। उम्मीद क्या है, 100% हम लोग जीत रहे हैं जी। 100% जीतने के पीछे कारण भी होते हैं, सबका साथ सबका विकास, हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलती है, उसी का नतीजा है आज। 36 में से 9 तो पहले निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे, आप क्या दावा कर रहे हैं कि जो आज 27 जहाँ पर मतदान होता है उनमें से कितनी सीटें जीतेंगे? देखो हम तो पूरा जीत रहे हैं भैया, पूरे जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं देंगे? फिर नाम ले लिया समाजवादी, मन खराब कर देते हो तुम लोग सुबह नाम ले करके, इतना देवी देवता पूछ कर आए फिर नाम ले लिया इसी पार्टी का, ये खराब हो गया। अखिलेश जी कहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। अरे अखिलेश जी तो मुगुरी लाल का सपना देखते हैं, अब देखते रह जाएंगे, 5 साल उधर निकलेगा, 5 साल उधर भूल जाएगा पूरा प्रदेश और देश की कोई अखिलेश थे। हाँ, नीतियाँ हैं जो जिन पर आप लोग जो है जीतने जा,
हम तो बता दिया हम लोग सबका साथ सबका विकास, हम लोग सबके साथ हैं, सब हम लोग देखिए अपने कार्य पर अपने मेहनत पर विश्वास करते हैं। हम लोग 5 साल बाद काम करते हैं, हम लोग चुनाव काम नहीं करते, हम लोग 5 साल अगले 5 साल तैयारी मेरा अध्यक्ष अभी कर रहा है। अगले 5 साल जब विधानसभा लोकसभा होगा तो हमारे जितने जिले के प्रदेश के अध्यक्ष हैं अभी से तैयारी। हम लोग ये नहीं करते कि दिन में 5 साल सो आराम करो ऐस करो और चुनाव आ जाए तो भागो भागो भागो, ऐसे तो जनता सब जानती है कि कौन दिन भर 24 घंटे साथ में और कौन नहीं। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे अपनी साफगोई के लिए जानी जाती हैं और साफ तौर पर कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए एक भी सीट वो छोड़ने नहीं जा रही हैं। सारी सीटें यानी 100% की जितनी सीटें हैं वो सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बिल्कुल देखिए लगातार हम हर एक का तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे जो अपने जिस अंदाज के लिए जानी जाती है दीपा, उसी अंदाज में वो मुखातिब भी हो रही है हमसे और ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी का नाम लेकर आपने मन खराब कर दिया है और एक बार फिर से अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आती है और कारण बताती है सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल प्राची, और उन्होंने कहा कि ना कोई विधानसभा चुनाव में टक्कर में था, मुकाबले में था और ना ही कोई विधान परिषद के चुनाव में टक्कर में है। जीत होनी है भारतीय जनता पार्टी की और यहाँ पर भी दबदबा कायम होगा। बिल्कुल, लेकिन आइए बात मुरादाबाद की करेंगे। मुरादाबाद में सपा विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने वोट डाला और दावा किया कि सपा उम्मीदवार की जीत यहाँ से होगी। एमएलसी चुनाव में मतदान करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद देहात से विधायक हाजी नासिर कुरैशी पहुंचे हैं। अभी अपनी मत का इस्तेमाल करके बाहर निकले हैं। सर, आपने अपना वोट डाल दिया है, क्या उम्मीद है, किस तरह का मुकाबला है, क्योंकि दो ही लोग हैं भाजपा और सपा के प्रत्याशी यहां पर चुनाव मैदान में, कितना कड़ा मुकाबला है? देखिए, मुकाबला तो कड़ा है लेकिन जीत समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की निश्चित होगी। जीत निश्चित होगी, ये बताइए कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने मैदान वोटिंग से पहले ही छोड़ दिया कहीं ने, तो ऐसे में और कहा जाता है कि सरकार का चुनाव होता है, सत्ता का चुनाव होता है, तो आपको कैसे लगता है कि यहाँ पर जो बिजनौर और मुरादाबाद की सीट है, इन 4 जिलों में समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है, तो आपको उम्मीद है कि यहाँ पर जीत हासिल हो जाएगी सपा प्रत्याशी को? नहीं, देखिए, जीत तो ईमानदारी की होगी और इंशाल्लाह कोई कितना ही कुछ भी कर ले लेकिन ईमानदारी की जीत होगी, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों की जीत होगी और यहाँ से तो समाजवादी के पार्टी के कैंडिडेट बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। ईशान, ठीक है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनको लगता है कि समाजवादी के गढ़ में यहाँ पर एमएलसी की सीट भी जो है समाजवादी पार्टी जीत लेगी और जीत जो है वो अजय मलिक की होगी। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। तो देखिए, पश्चिम का आपने देख लिया किस तरीके से वहां पर आश्वस्त नजर आ रही हैं तमाम पार्टियां, लेकिन आइए अवध की भी बात कर लेते हैं और इटावा फरुखाबाद की सियासी जंग आपको समझाते हैं, इसकी बिसात को आइए समझ लीजिए। प्रांशु दत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और उन्हें टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के हरीश यावत। प्रांशु दत्त द्विवेदी को समझिए, भाजयुमू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछले ही साल उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी, 2002 से ही भाजपा से जुड़े हुए हैं। फरुखाबाद सदर से विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के भाई हैं दीपा। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हरीश यादव की बात कर लेते हैं, सपा की तरफ से वो ताल ठोक रहे हैं और नामांकन के दौरान इनके साथ हाथापाई भी यहां पर हो गई थी। हरीश कुमार यादव ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेताओं ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और इनका नामांकन पत्र भी फाड़ दिया गया है। इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला है, देखिए दोनों ही ताल ठोक रहे हैं, जीत का दावा भी कर रहे हैं। और देखिए अगला मुकाबला वहां पर नासिर कुरैशी को आपने सुना था, मुरादाबाद में सपा के उम्मीदवार वो थे, अब आपको सुनवाते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि यहां पर क्या है समीकरण। देखिए भाजपा सतपाल सैनी भाजपा की तरफ से ताल ठोक रहे हैं और सपा की तरफ से अजय मलिक मैदान में है और देखिए भाजपा पूरी कोशिश ये कर रही है कि यहाँ पर भी जीत हासिल हो और संभल से पूर्व सांसद ये रहे हैं और इसके अलावा 2014 से 2019 तक सांसद रहे थे सतपाल सैनी और इस वक्त भाजपा के यूपी उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा अजय मलिक की बात करते प्राची। बिल्कुल, अजय मलिक के बारे में बात करें, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, इस सीट से कई पूर्व विधायक भी टिकट के लिए लाइन में थे लेकिन आखिर में अजय मलिक का नाम फाइनल हुआ। अजय मलिक के भाई देवेंद्र मलिक ने भी निर्दलीय नामांकन किया था, हालांकि उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, जबकि जांच में 3 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गए थे। भाई सीधा हम लिए चलते हैं आपको इलेक्शन सेंटर जया के पास। जया, बिल्कुल साथी, तो दिलचस्प मुकाबला किसके बीच है ये आपने बता दिया, लेकिन अब ये भी जानना जरूरी है कि ग्राउंड की तस्वीरें क्या है, अलग अलग जगहों पर
लगातार हमारे सहयोगी ये बता रहे हैं। और नितिन का रुख करेंगे, इटावा फरुखाबाद का हाल क्या है, किस तरीके की हलचल है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी मतदान करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो नितिन, क्या तस्वीर वहां की है, क्या हलचल है, मुलायम सिंह यादव कब तक पहुंचने वाले हैं मतदान के लिए? देखिए बिल्कुल, 36 में 27 सीटों पर आज मतदान होना है, लेकिन हो रहा है, लेकिन जो एक कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है वो इटावा फरुखाबाद सीट है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस समय लगातार हलचल बड़ी हुई है, तमाम जो कहा जाए जो प्रत्याशी हैं, जो तमाम मेंबर हैं, वो जो वोटर हैं, वो वोट डालने पहुंच रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि ये सैफई ब्लॉक है और इस समय यहाँ लोग वोट डाल रहे हैं। वोट डालकर अभी थोड़ी देर पहले जो सैफई के कहा जाए जो प्रधान हैं रामफल वाल्मीकि, वो अंदर उन्होंने वोट डाला और वोट डालकर निकले हैं। सैफई इस ब्लॉक पर 101 मतदाता वोट डालेंगे, जिसमें वीवीआईपी हैं, जिसमें मुलायम सिंह यादव हैं, रामगोपाल यादव हैं, शिवपाल यादव हैं, वो यहाँ अपने वोट को कास्ट करेंगे। तो थोड़ी देर में सूचना आ रही है कि मुलायम सिंह यादव यहाँ पहुंचेंगे, रामगोपाल यादव यहाँ अपना वोट डालेंगे। नितिन, क्योंकि हलचल वहाँ पर दिखाई तो दे रही है, लोग पहुंचे हुए हैं, वो तस्वीरें हम आपके जरिए दर्शकों को दिखा रहे हैं, कुछ लोगों से बात भी कीजिए जो वोट करने के लिए वहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए लगातार जो तमाम जो बीडीसी मेंबर हैं, जो प्रधान हैं, वो यहाँ वोट डालने पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में मुलायम सिंह यादव, मैं आपसे जानना चाहूँगा वोट डाल के आए आप, अंदर जो इक्का दुक्का लगातार जो कहा जाए आ रहे हैं, अभी जो बड़े फिगर हैं जैसे मुलायम सिंह यादव हैं, रामगोपाल यादव हैं, शिवपाल यादव हैं, ये थोड़ी देर में पहुंचेंगे। तो जो कहा जाए प्रधान हैं, जो बीडीसी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, वो अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुल 101 मतदाता हैं। अगर बात की जाए हरीश यादव वर्सेस प्रांशु दत्त द्विवेदी, पूरा ये मुकाबला यहाँ बना हुआ है। प्रांशु दत्त द्विवेदी फरुखाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वहीं हरीश द्विवेदी वो नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाया है। तो कुल मिला के जो इटावा है, फरुखाबाद है, औरैया, कन्नौज, चार जिलों के करीब 5,000। देखिए नितिन, इटावा में सभी की निकाहें बनी हुई हैं, वीआईपी वोटर्स यहाँ पर हैं, मुलायम सिंह यादव पहुंचे हुए हैं, वो वोट कास्ट करने पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि हमारा वादा है इस महाकवरेज में एक भी सीट की तस्वीर दीपा छूटेगी नहीं। बिल्कुल, हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, ग्राउंड से हमारा सहयोगी लगातार बने हुए, स्क्रीन को भी आप देखिए, ऊपर भी लगातार आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, कुल सीटें कितनी है और 2016 का नतीजा क्या रहा था वो भी आपको हम दिखा रहे हैं, और 2022 में जंग कितनी दिलचस्प हो चली है वो भी आप देख पा रहे हैं, और इधर भी आप देख रहे हैं। आप सीधे आपको शैलेश के पास आपको लिए चलते हैं, लखनऊ के मेयर संगीता भाटिया से वो बातचीत कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हमारी लखनऊ की सीट अगर हम बात करें तो लखनऊ की सीट हमारी निकल रही है, अच्छे मतों से निकल रही है। बाकी पूरी 27 सीटों की बात करें तो कितनी सीटें, इसमें हमारी सीटें ज़्यादा आ रही हैं। क्या लगता है, सारी आएंगी या कुछ छूटेंगी? हमारी सभी सीटें आ रही हैं। पर पहले ही निर्विरोध जीत, हम 9 सीटों पर पहले निर्विरोध जीत चुके हैं और अभी बाकी सीटों पर आज चुनाव आ रहा है, सब में हमारी जीत होगी। नहीं लगता इस समय आप देख सकते हैं, मैं संयुक्ता भाटिया, हमने बात की और विधायक राजेश्वर सिंह जी यहाँ पर हैं। सर क्या लगता है, 27 सीटों पर चुनाव कितनी आपकी? सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जनता सिर्फ विकास चाहती है, योगी आदित्यनाथ जी विकास कर रहे हैं, जो लोग विकास के रास्ते में आ रहे हैं वो चुनाव नहीं जीतेंगे। नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, जो लड़ रहे हैं मुझे लगता है वो खाली अपना वोट पा जाए, एक वोट उतना ही काफ़ी है। सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सुना राजेश्वर सिंह जी को, जिनका साफ तौर पर कहना कि सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं, ये उनका कहना है, उनका दावा है, और उनका कहना है कि जो सपा के प्रत्याशी हैं उनको अगर एक सीट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है।